हेलो वेलकम इस लेक्चर में जो कि इस फाइनल मॉड्यूल की

का सॉर्ट ऑफ फीचर है अब जब मैंने अपने आइटम्स फाइनल कर लिए हैं तो मैं जा सकता हूं अपने कार्ड पे तो व्हेन यू क्लिक हियर तो आप कार्ड पे चले जाएंगे ये हमारा कार्ट व्यू है इसके अंदर यू कैन सी कि हमारे पास सेम कंपोनेंट यूज हो रहा है मेन्यू आइटम का और यहां पे आप चाहें तो मजीद इसको चेंज कर सकते हैं आप देख रहे हैं टोटल ऊपर भी चेंज हो रहा है यहां पे भी चेंज हो रहा है तो दोनों जगह पे एक्जैक्टली चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है और आप चाहे तो किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं यहां से आप चाहें तो वापस बैक टू मेन्यू जा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से दोबारा कार्ड पे आ सकते हैं और फिर अगर आपकी जो सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन है वो फाइनल हो गई है तो आप चेकआउट पर जा सकते हैं अगर हमारे पास कोई

के कौन सा कार्ड है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइव थ्री करके करूंगा तो मास्टर कार्ड आ जाएगा तो यहां पे हमने एक का काम्पोनेंट इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे नेम डाल सकता हूं यहां नेम हाईलाइट हो जाता है वैलिड थ्रू पे जाऊ तो वैलिड थ्रू आ जाएगा और अगर हम सी सी पे जाएं तो ये बैक पे जो भी नंबर है वो हमें रेंडर uh, कर करके दिखा रहा होता है तो इट्स अ वेरी क्लीन एप्लीकेशन और फाइनली जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप पे कर सकते और ये फॉर्म विद वैलिडेशन चल रहा है तो जब मैं पे पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये वैलिडेशन मांग रहा है तो पहले हमें करेक्ट वैल्यू डालनी है इवन मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं हाफ वे वैल्यू छोड़ दूं और पे पे क्लिक करूं ये स्टिल वैलिड नहीं होगा तो जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा अब ये नेक्स्ट का बेसिकली एरर दे रहा है तो इट्स अ वेरी वेल इंप्लीमेंटेड एप्लीकेशन ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट किया है और अगर हम इससे आगे नंबर जाएं तो एक और पॉसिबिलिटी होती है कार्ड्स के अंदर लेकिन इसमें भी यू नीड टू देन गिव पूरा नंबर तो पूरे नंबर के बाद फिर ये सही से नजर आता है अच्छा अब जब हम ये चीज देख चुके हैं तो बजाय इसके कि डेवलपमेंट के दौरान हम पूरा का पूरा इस सबको फिल करें यहाँ पे एक शॉर्टकट है एज यू कैन सी कि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एश दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल हो जाएंगी तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ऐश दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो चुका है अच्छा जो सबसे मजे की चीज ये है इस पूरी जर्नी के यूजर की वो ये है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ये टैब क्लोज कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोज कर दिया और दोबारा रीओपन किया तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास स्टिल सारी चीजें सेव हुई हुई है तो जो मेरा कार्ड था वो भी सेव हुआ हुआ है कि अगर मैं होम पेज पे जाऊं और मैं गेट स्टार्टेड पे जाऊं तो स्टिल मेरी जो आइटम्स थे वो सेव हैं तो रिफ्रेश करने पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती जबकि रिएक्ट एप्लीकेशन क्योंकि शुरू से शुरू होती है तो आमतौर पर यह डिस्ट्रॉय हो जाता है सब सारी चीजें खत्म हो चुकी होती हैं लेकिन हमारे केस के अंदर क्योंकि हम हर चीज़ को स्टोर कर रहे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर तो ये परसिस्ट स्टोरेज के साथ काम कर रहा है तो एनी अगर हम जाएं यहाँ पे कार्ड पे और हम चेकआउट पे जाएं यहाँ पे हम फिल करें एक रैंडम वैल्यू और फिर हम पे पे क्लिक करें तो ये हमें एक ऑर्डर क्रिएट करके दे देता है जैसे हम पे पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर आ गया और यहाँ पे ऑर्डर की समरी आ रही है और ये कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है लेकिन स्टिल सिमिलर टू मेन्यू आइटम्स है तो ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारा टोटल ये था हमने इस कार्ड के थ्रू पे किया है और ये हमारा ऑर्डर नंबर मौजूद है अच्छा कार्ड अब एम हो चुका है इस सिचुएशन में तो मैं अगर ऑर्डर नंबर को कॉपी करूँ यहाँ से और कार्ड पर चले जाऊं तो नथिंग इन द कार्ड हम वापस मेन्यू पे जा सकते हैं मेन्यू में भी देखें सब कुछ क्लियर हो चुका है तो अगर मैं चाहूं तो मैं अपना ऑर्डर फाइन कर सकता हूँ एक चीज आप देखेंगे जैसे मैं फोकस यहाँ पे करता हूँ तो इसका प्लेस होल्डर चेंज हो जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन असल चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम ऑर्डर डालू और एंटर करो तो ये जाएगा और, कहेगा कि लेकिन अगर पे मैं डालू और एंटर करूं तो आपको नजर आएगा ये आता है और हमारे पास ये दिखा रही है, इनकी तो, ये हमारी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बिल्ड करने जा रहे हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो के लिहाज से बहुत अच्छा है और फाइनली मैं आपको ये दिखा दूं कि इसकी जो वैल्यूज स्टोर हो रही है हमारे पास वो कहां स्टोर हो रही है तो अगर आप डिबगर पे जाकर एप्लीकेशन पे जाएंगे लोकल स्टोरेज में जाएंगे और हमारा एसडीपी लोकल थ्री इस पर आप जाएंगे तो यू कैन सी बोथ ऑफ दोस्त

मैंने ये किया है कि मैंने काफी सारे कंपोनेंट्स पहले ही स्टार्ट की फाइल के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो रिएक्ट का पार्ट होगा और हम यू या टेलमेंट सी वगैरह पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें होंगे बहुत सारी चीजें हम प्रीमेड यूज करें होंगे लेकिन बहुत सारी चीजें हम स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे और इसमें कुछ बहुत ही टेक्निकल और एडवांस टेक्निक्स भी हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे और मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में जिसमें हम राउट्स को सेटअप करेंगे स्टार्ट से शुरू करेंगे और सबसे पहले अपने होम राउट को हम कन्फिगर करें होंगे तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में